गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वंस अगेन। आज मैं आप सभी के लिए ईएनटी पोर्शन के 15 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द रैमसे हंट सिंड्रोम इज ऑप्शन ए हर्पी जोस्टर अफेक्शन ऑफ जेंटिकुलेट गैंग्लियन ऑफ द फेशियल नर्व, बी डिस्फेजिया इन मिडिल एज फीमेल, सी डिस्फेजिया इन ओल्ड मेल, डी सेंसरी न्यूरल डीफनेस इन द न्यूली बोर्न। सो एसेस योर आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, रैमसे हंट सिंड्रोम इज हर्पी जोस्टर अफेक्शन ऑफ द जेंटिकुलेट गैंग्लियन ऑफ द फेशियल नर्व। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। फीवर इन द लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस इज ऑप्शन ए इंटरमिटेंट, ऑप्शन बी रिमिटेंट, ऑप्शन सी लो ग्रेड, ऑप्शन डी हाई ग्रेड। सो फीवर इन लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंटरमिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बुल नेक इज नोन टू अक्कर इन ऑप्शन ए, बुल नेक कौन सी कंडीशन में होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, टॉन्सिलर डिप्थीरिया, ऑप्शन बी क्वेंसी, ऑप्शन सी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, ऑप्शन डी क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। सो बुल नेक इज नोन टू अकर इन द टॉन्सिलर डिप्थीरिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, इन्फेक्शन रीचिंग द सबमेंटल एंड सबमैंडिबल स्पेस इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इन्फेक्शन जो कि सबमेंटल और सबमैंडिबुलर स्पेस में पहुंच जाता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए विंसेंट एंजाइना, ऑप्शन बी ल्यूडविग ट्यूमर, ऑप्शन सी सबमैंडिबुलर सीएल एडेनाइटिस, ऑप्शन डी बेजोल्ड एब्सेस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सबमैंडिबुलर सीएल एडेनाइटिस। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव, ल्यूडविग एंजाइना इज ऑप्शन ए सेलुलाइटिस ऑफ पायरिफॉर्म फोसा, ऑप्शन बी सेलुलाइटिस इन द पैराफेरिंजियल स्पेस, ऑप्शन सी सेलुलाइटिस इन द रेट्रोफेरिंजियल स्पेस, ऑप्शन डी सेलुलाइटिस ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। सो ल्यूडविग एंजाइना इज द सेलुलाइटिस ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, विंसेंट एंजाइना इज कैरेक्टराइज बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईएनटी पोर्शन फॉर ऑल नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स। सो ऑप्शन ए वेरी सीवियर सिस्टमेटिक सिम्टम एंड माइल्ड लोकल सिम्टम्स, ऑप्शन बी वेरी सीवियर लोकल सिम्टम एंड माइल्ड सिस्टमेटिक सिम्टम, ऑप्शन सी सीवियर लोकल एंड सिस्टमेटिक सिम्टम, ऑप्शन डी वेरी माइल्ड लोकल एंड सिस्टमेटिक सिम्टम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी सीवियर लोकल सिम्टम एंड माइल्ड सिस्टमेटिक सिम्टम। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन, द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी के बाद कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए एक्सपेक्टोरेंट्स, ऑप्शन बी एनालजेसिक्स, ऑप्शन सी ओपिएट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओपिएट्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी बिकॉज ओपिएट्स कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दैट मे लीड टू डेथ ऑल्सो। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर एट, द न्यूमोथोरेक्स आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी अकर्स ड्यू टू
ऑप्शन ए व्हेन द प्रीट्रैकियल फेशिया इज सुचर टाइटली, ऑप्शन बी इंजरी ऑफ द प्लूरा, ऑप्शन सी नन ऑफ देम, ऑप्शन डी बोथ ऑफ देम। सो न्यूमोथेरेक्स आफ्टर ट्रेकोस्टोमी अकर्ड ड्यू टू इंजरी टू द प्लूरा रीजन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। द पेन इन द एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया इज मोर सीवियर एट, ऑप्शन ए नाइट, ऑप्शन बी मॉर्निंग, ऑप्शन सी मिड डे, ऑप्शन डी ऑल द डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जा सकता है। सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर कौन सा किस टाइप का पेन होता है और कब होता है ज्यादा, मॉर्निंग में होता है, इवनिंग में होता है और आफ्टरनून में होता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए नाइट ओटाइटिस, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर नाइट में ज्यादा पेन होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ विंसेंट एंजाइना इज, ऑप्शन ए बोरेली विंसेंटी, ऑप्शन बी कैंडिडा एल्बिकेंस, ऑप्शन सी बार एपस्टीन वायरस, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकाई। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ विंसेंट एंजाइना इज बोरेली विंसेंटी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द फेरेंजियल पाउच अक्कर मोस्टली इन, फेरेंजियल पाउच मोस्टली किन लोगों में होता है, ओल्ड मेल्स में, ऑप्शन बी ओल्ड फीमेल्स में, ऑप्शन सी इन्फेंट्स, ऑप्शन डी एडल्ट मेल्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओल्ड मेल। फेरेंजियल पाउच मोस्टली अक्कर इन ओल्ड मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एपनिया इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द ट्रेकिया इज ड्यू टू, ऑप्शन ए राइज ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, राइज ऑफ ब्लड O2 लेवल, ऑप्शन सी वास ऑफ द ब्लड CO2 लेवल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वास ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के कारण होता है एपनिया। ट्रेकिया के ओपनिंग के बाद अगर एपनी होता है तो वो ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेवल के वास होने की वजह से होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। डिस्फेजिया इन द कार्डिक एक्लेजिया इज, ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव, ऑप्शन बी रिग्रेसिव, ऑप्शन सी स्टेशनरी एंड ऑप्शन डी इंटरमिटेंट। सो प्लीज गैस द आंसर, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी इंटरमिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ल्यूपस वल्गैरिस इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ENT पोर्शन फॉर ऑल नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है ल्यूपस वल्गैरिस का, ऑप्शन ए स्पोरोजोन, ऑप्शन बी लो वायरलेंट TB बैसिलस, ऑप्शन सी ट्रीपोनिमा पैलिडियम, सॉरी मिस प्रिंटेड, पैलिडियम की जगह पैलिडियम है, ऑप्शन डी ग्राम नेगेटिव शॉर्ट कैप्सुलेटेड डिप्लोबैसिलस। सो द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लुपस वुलगैरिस इज ऑप्शन बी लो वायरलेंट TB बैसिलस। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, क्वेश्चन नंबर 15। कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द मेलेग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, सो द कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म इन मेलेग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है, ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन बी न्यूमोकोकाई, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास एरोजोनिसा, ऑप्शन डी मोरेक्जेला कैटरेलिस। कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द मेलेग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना इज स्यूडोमोनास ओरोजिनेसा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सब्सक्राइबर्स, इफ यू नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक आवर वीडियो।
Please share and subscribe our channel with your friends, with your colleagues. So, subscribers question. The equilibrium during angular rotation moment is the function of option A, utricle, option B, saccule, option C, cochlea, option D, semicircular canal. So please comment. I will tell you answer in comment box. मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा आंसर कमेंट बॉक्स में. आप अपना आंसर को कमेंट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स विद योर क्लिक्स. थैंक्स वंस अगेन. कल मैं आप सभी के लिए एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन से कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा जो कि वास्तव में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स में. So that's all for today. Thanks for watching.